Hello guys, and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Hi friends, aaj hum hamara next session start kar rahe hain, that is video number 12, right? This is the third video of chemical reactions and equations, theek hai? Isse pehle ek chapter khatam ho chuka hai, aur ye bhi chapter bahut important topics aaj hum log cover karne wale hain, right? As usual, sabse pehli cheez board pe piche aapke paas likha hua hai ki aaj hum kya padhne wale hain. Right? Soch rahe hoge sirf aaj do topic likhe hue. And these topics are one of the most important topics of this chapter. Theek hai? Right? To is chapter ke sabse important topic aaj hum log yahan par cover karne wale hain. Theek hai na? To hum log sabse pehle, maine last video ko choda tha jahan par maine aapko balancing of a chemical equations samjhaya tha, ek question kiya bhi tha. Aur ye kaha tha ki next video ka sabse pehla topic hi jo main start karne wala hoon, that is chemical reactions and equations ki balancing. Aaj main aapko sabse pehle do question uske karaunga, theek hai? Uske baad ek question aapke homework ke liye, right? Aap wo kar le, uska answer mujhe niche comment box mein de sakte hain ki aap logon ne equations ki kya formations kari hain, theek hai? Jisse clarify ho jaye ki either they are right or wrong. ठीक है, राइट? तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑफ बैलेंसिंग, राइट? दो क्वेश्चंस करेंगे, वन क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, सेकंड वन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि करेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स होता है कि किस तरीके से पता चल सकता है कि वो इक्वेशंस कैसी. ठीक है, कि मैं एक इंसान को देख के बता दूं कि भाई एक इंसान मोटा है, ठीक है ना, उसकी ये हैबिट है, उसकी वो हैबिट है, वो ये है, वो ऐसा है, वो ज्यादा बोलता है, दैट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विशेषताएं. ठीक है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है. अब हम पढ़ रहे टाइप्स, ठीक है, कि वो कितने तरीके के हो सकती है, राइट? तो उसके बेसिस पे आज हम लोग मेन इसके अंदर तीन तरीके के केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, रिमेनिंग टू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन आपके पास बैलेंसिंग करने के लिए रखी हुई है सामने, ठीक है, राइट? हमने यहां पे लिया है HCl aqueous solution, ओके, राइट? आई गॉट अ कमेंट इन द लास्ट वीडियो रिलेटिंग दैट समवन हैज आस्क्ड मी कि सर एक्वस सोल्यूशन क्या होता है. बेटा सिंपल सी बात है, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड. ठीक है, तो वो जो लिक्विड सोल्यूशन अदर देन वॉटर, अदर देन वॉटर, वॉटर के अलावा जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उन सबको हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं. जैसे HCl, HCl एक एसिड है, ठीक है, राइट? तो इसीलिए हमने उसको एक्वस बोला क्योंकि इसमें पानी नहीं है. पानी होता तो उसकी स्टेट लिक्विड लिखते, ठीक है. एक्वस लिखने का रीजन था कि वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी नहीं है, पानी के अलावा वाला लिक्विड है, ठीक है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक विनेगर, ठीक है ना, तो विनेगर इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल, उसमें अल्कोहल की परसेंटेज होती है. इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अल्कोहल, राइट? तो अब आप आराम से क्लैरिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पानी के साथ पानी वाला लिक्विड और पानी के अलावा वाला एक्वस, ठीक है. तो चलिए, हमने एक HCl लिया, मैग्नीज ऑक्साइड ली, बना है मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन गैस एंड वॉटर, ठीक है. चलिए बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड. बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल इजी, एक एक चीज पकड़ के चलना. जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसको बैलेंस कर लो. दूसरी चीज याद रखना, कभी भी हम कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते. सपोज करो मुझे यहां पर अगर सब क्लोरीन बैलेंस करने के लिए मिला और मैं यहां पर टू, बोले भाई रिएक्टेंट में चार है, प्रोडक्ट में दो है, दो और लगा दो तो टू की जगह फोर. नहीं, हम Cl का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते. बस हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं. जैसे यहां पे क्लोरीन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है तो मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो दो मॉलिक्यूल, ठीक है, राइट? तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं. तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट? चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं. एज यूजुअल सेम एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है. सबसे पहले आपने लिखा यहां पर एलिमेंट, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस वन इज प्रोडक्ट साइड. एक एक स्टेप करेंगे, स्टेप खत्म होने के बाद कौन सा कितना बन गया वापस से इक्वेशन को रीराइट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले H,
दूसरा लिया मैंने Cl, तीसरा लिया मैंने Mn और चौथा लिया मैंने ऑक्सीजन। इन चार चीजों से मिलकर बना। यहां पे H एक है वन, यहां पर H दो है, मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज यहां पे क्लोरीन एक है, यहां पे क्लोरीन दो और दो चार है, ये तो और भी ज्यादा। यहां पे मैग्नीज एक, यहां पे एक, चलिए मैग्नीज को बैलेंस नहीं करना है आप लोगों को। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन दो है और यहां पे ऑक्सीजन एक है, ठीक है राइट। तो चलिए अब हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग सबसे पहले देखो सबसे कम क्या है, यहां पे क्लोरीन सबसे कम है तो मैं सबसे पहले क्लोरीन मुझे फोर बनाना है, तो मैं यहां पे क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, फोर। अब क्लोरीन जिस भी कंपाउंड में आ रहा है, जिस भी मॉलिक्यूल में कंपाउंड में क्लोरीन आ रहा है, आप उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो उस पूरे। अब देखिए क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे यहां आ रहा है, तो मैं यहां पे इसको चार से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है राइट। ये मैंने फोर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इस इक्वेशन को वापस से रीराइट, अब देखिए वापस आपके पास क्या बना, यहां पे चार हाइड्रोजन हो गए, तो इंस्टेड ऑफ वन अब यहां पे कितने हैं, फोर, क्लोरीन फोर, यहां पे भी फोर, तो क्लोरीन बैलेंस, ठीक है। मैग्नीज Mn, ये बैलेंस ही था, कोई चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक। अब देखिए अब क्या बदला, अब यहां पे हाइड्रोजन चार है और यहां पे दो है, तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं, मैंने यहां पे टू से मल्टीप्लाई किया और ये फोर हो गया। अब जहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, आप उस पूरे मॉलिक्यूल को टू से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दो इंटू दो चार, अब ऑक्सीजन भी कितना हो गया, टू, तो यहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए, टू, ठीक है। अब देखिए अब बैलेंस एक बार फिर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप पकड़ के चलो, जो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस है ना उसको सबसे पहले खत्म करना। हाइड्रोजन चार चार, क्लोरीन चार चार, मैंगनीज दो दो और ऑक्सीजन दो दो, यानी कि ये हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है कि हम लोग किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आयरन की क्लोराइड ली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है। यहां पे आयरन की ऑक्साइड बनी है Fe2O3 और मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, ठीक है। सबसे पहले एज यूजुअल वही काम करना स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट है आयरन Fe, यहां पे वन और यहां पे टू, मतलब ये तो मल्टीप्लाई करना है। यहां पे क्लोरीन तीन है Cl थ्री, यहां पे क्लोरीन दो है, यानी कि ये भी डिसबैलेंस है, ठीक है। यहां मैग्नीशियम Mg वन है और यहां पे भी वन है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहां पे ऑक्सीजन एक है और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, तीन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूं, और आप चाहें तो आप आयरन को भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सबसे बड़े को बैलेंस करना स्टार्ट किया, यहां पे ऑक्सीजन तीन चाहिए थे, मैंने यहां पे थ्री से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो पकड़ के चल लो, गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे, घबराना नहीं, कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ इतना सा काम पकड़ लो कि जो सबसे कम है ना उसको सबसे पहले बैलेंस करो, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन तीन, तो मैं क्या करता हूं, जहां पे ऑक्सीजन लिखा हुआ उस पूरे को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब वापस से एक बार टोटल चेक कर लिया। यहां पे मैग्नीशियम हो गए थ्री, ठीक है राइट, ओके। अब देखो यहां पे मैग्नीशियम वन है, ये टू है, ये थ्री है, इस पे बाद में जाएंगे, पहले बड़ों को करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, अगेन वापस से इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट की साइड में मैग्नीशियम को। अब जहां मैग्नीशियम है उसको थ्री से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया, यहां पे हो गए मैग्नीशियम तीन और थ्री इंटू टू सिक्स, यहां पे क्लोरीन कितना हो गया, सिक्स, ठीक है राइट। अब ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब सबसे पहले यहां पे क्लोरीन तीन है और यहां पे क्लोरीन कितने हैं, छह, तो मैं यहां के क्लोरीन को बैलेंस करता हूं और मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, टू से,
और ये बन गया 6। अब जहां क्लोरीन लिखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब वापस से चेक करते, जब क्लोरीन भरा तो आयरन कितने हो गए, आयरन 2 हो गए। चेक आउट, देखो ऑटोमेटिकली बड़े को कर दोगे ना तो छोटे अपने आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने क्लोरीन बैलेंस किया, आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देखो आयरन 2, 2, क्लोरीन 6, 6, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3 एंड ऑक्सीजन 3 और यहां पे भी 3, ठीक है। तो देखो कितने सिंपल 3 to 4 स्टेप्स में कोई रिएक्शन वापस नहीं लिखनी, ऑटोमेटिकली बैलेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। जहां जितना भर रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर दो, राइट। वन क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप इसको बैलेंस करके मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा इज इट राइट और रॉन्ग, और वहां पे बता भी दूंगा कि क्या गलती है और किस तरीके से आप इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल। टोटल जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके के, और बहुत सिंपल है इनको याद करना, ठीक है। देखो मैंने 5 पीछे बोर्ड पे लिख रखे हैं, राइट। क्या करना है, जोड़ना है, तोड़ना है, एक को यहां से वहां भेजना है, 2 को यहां से वहां भेजना है, और लास्ट एक स्पेशल केस बच जाता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा। क्या करना है, 5 चीजें परफॉर्म करनी है। नंबर 1 जोड़ना, तोड़ना, 1 को शिफ्ट, 2 को शिफ्ट, और स्पेशल केस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शिफ्ट। दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, राइट। चलिए देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन, यहां पे सिर्फ वर्ड डिस्क्राइब करना, जो वर्ड वैसा था, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, तो 2 को जोड़ दो। तो हमने क्या करा, A को B से जोड़ा और हमारे पास C मिल गया, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। सेकेंड आती है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसमें उल्टा करेंगे, हमारे पास A है और उसको तोड़ के हमें क्या मिल गया, B प्लस सी, राइट। तो देखो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, ए प्लस बी से सी मिल रहा था और ए को तोड़ा तो बी प्लस सी मिल गया, दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन, ठीक है, राइट। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक हटेगा और उसकी जगह दूसरा लग जाएगा, ठीक है, राइट। जैसे होता है ना स्कूल में कि आज ये टीचर नहीं आए हमारे तो इनकी जगह सब्स्टिट्यूशन पे कोई आ गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ए बी प्लस सी मिलकर बन जाएंगे बी सी प्लस ए, यानी कि ये जो बी है, ठीक है, राइट, या फिर मैं बोलूं कि ये ए चला गया और ये सी यहां पर आके जुड़ गया और ये एक अकेला क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्पेशल केस कौन सा आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ए बी प्लस सी डी गिव्स, ठीक है, देखो क्या होगा, ये ए यहां जाएगा और उसकी जगह ये सी कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना, दैट इज ए डी, या मैं बोलू बी सी प्लस ए, ठीक है, राइट, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट बचता है रिडॉक्स, ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, रिडॉक्स को तोड़ते हैं, दैट इज नोन एज रिडक्शन, रिडक्शन, एंड ऑक्स को तोड़ा तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, तो जब तक कुछ हटेगा नहीं तब तक वो जुड़ेगी नहीं, यानी कि एक तरफ से तो ऑक्सीजन हटके जा रही है और दूसरी तरफ जुड़ रही है, और उस जगह से हाइड्रोजन हट रहा है और दूसरी जगह जुड़ रहा है, यानी कि रिडॉक्स जो है इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही जगह को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, राइट। दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब हम सबसे पहले मूव करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। देखो आज मैं सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वन इज कॉम्बिनेशन एंड अनदर वन इज डिकम्पोजिशन। रेस्ट फ्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाए। स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहली है सिंपल वर्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब
कंबाइन होना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा चीजें या दो से ज्यादा एलिमेंट सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, देन दीज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, राइट। तो द रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जनरल इक्वेशन लिख रखी है मैंने, ए प्लस बी मिलकर क्या बन रहा है, सी। अब देखिए सब तो नहीं बोलता, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकलती हुई जरूर मिलती है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकलती हुई जरूर मिलती है। तो यानी कि क्या हुआ कि वो जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अपने साथ साथ हीट इवॉल्व कर रहा है, गैस रिलीज कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो आसपास के टेम्परेचर को एनर्जी दे रहा है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर के अंदर, ठीक है। सब नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम 90-95% जो रिएक्शंस हैं जब वो परफॉर्म होंगी तो उनके अंदर एनर्जी रिलीज होगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहला एग्जांपल देता हूं मैं, कोयले को जलाना, ठीक है। हम लोग कोयले को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा एक प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर आसपास के एनवायरमेंट का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, ठीक है। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर गर्म पानी के अंदर चौक डाली थी, ठीक है, वो कैल्शियम की कार्बोनेट्स हैं। अब जब वो पानी के साथ जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, अगर हम बड़ी क्वांटिटी में लें तो वो चारों तरफ हीट जनरेट करता है अपने आसपास और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उन रिएक्शंस के अंदर भी हीट रिलीज होती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नोटिसेबल है, ठीक है। आपके घरों में जो व्हाइट पुट्टी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस, ठीक है, तो जब भी वो प्लास्टर ऑफ पैरिस बनता है, आप कभी भी देखिएगा, आप उसको पानी में डालिए, जो व्हाइट पाउडर आता है, आपको अपने आप वहां से बहुत सारे बबल्स ऑफ गैसेस निकलना स्टार्ट होंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और थोड़ी देर बाद आप जब नोट करेंगे ना तो आसपास का टेम्परेचर राइज हो जाएगा जिस भी कंटेनर में आपने उसको रखा है, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन हो रहा है एनर्जी निकल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है सिंगल प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू फ्यू एग्जांपल्स। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, पानी के साथ जोड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, विच इज ऑल्सो नोन एज स्लिप लाइम, ठीक है। सेकेंड, बर्निंग ऑफ कोल, मैंने अभी कोयले के गर्म करने का एग्जाम्पल दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, पेट्रोल को जला दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर जाएगी, नंबर वन थिंग, टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव टू H2O, ठीक है, राइट। वन मोर जनरल एग्जाम्पल, कैन वी कंसिडर रेस्पिरेशन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख सकते हैं क्या? मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में इसका आंसर दे चुका हूं, एक बार और बताता हूं। खाना खाया और एनर्जी मिल गई, यानी कि खाने ने ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी दी, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। तो यानी कि हम जो फूड लेते हैं इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह परफॉर्म प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस खाने को ग्लूकोज में चेंज करेंगे, किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज के साथ यहां पे जुड़ी ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स के थ्रू आएगी, कहां से आ रही है, लंग्स, ठीक है, इनहेल करने से, और कौन लेके आ रहा है, ब्लड, और ब्लड के अंदर भी कौन, हीमोग्लोबिन,
ठीक है राइट। तो हमने खाना खाया, एंजाइम ने ग्लूकोज में तोड़ दिया, लंग से ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी, देखिए बहुत सारी एनर्जी, और यही एनर्जी मेरे काम करने के काम में आती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहां से मैं जवाब दे सकता हूं इस चीज का, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी आज के लास्ट टॉपिक, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बिल्कुल उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा डेफिनेशन है। ठीक है ना, डेफिनेशन देखते जब वो रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा के अंदर ब्रेक डाउन होगा, देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। वर्ड डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो यानी कि एक सिंगल चीज जब दो या दो से ज्यादा चीज में ब्रेक डाउन हो जाए, देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। ठीक है, जनरल रिएक्शन है A gives B plus C। अब देखिए जैसा कॉम्बिनेशन के अंदर दो कंबाइन होके एक बन रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसके अंदर अगर आपको किसी को ब्रेक डाउन करना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर होगा कि जब भी हम लोग डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग वहां पर एनर्जी को सप्लाई करेंगे। बिना एनर्जी सप्लाई करें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि इसमें एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, दैट इज व्हाई द नेचर ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, एक सबसे पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक्स में है, यहां पे मैंने फेरस सल्फेट लिया है। ठीक है, FeSO4, इट इज बेसिकली ग्रीन इन कलर। कौन सा कलर होता है? ग्रीन इन कलर होता है। एक्चुअली ये जो प्रेजेंट होता है दैट इज FeSO4.7H2O। ये .7H2O का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना क्रिस्टल फॉर्म में, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैं FeSO4 को हीट करूंगा ये वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और निकलकर चले जाएंगे। ठीक है, अब बचा यहां पर ये वाला सब्सटेंस। ठीक है, क्या बचा? 2FeSO4। अब वो क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड सबसे पहली चीज बनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज कलरलेस, यानी कि यहां से वाटर का मॉलिक्यूल इसका ग्रीन कलर लेकर उड़ गया। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल हीट करने पे इसका ग्रीन कलर लेके उड़ गया, यानी कि चेंज इन कलर हुआ, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और साथ में बना सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड चीज, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, आयरन की जो ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल होगी, बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है राइट, सेकेंड रिएक्शन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है राइट, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन मुझे इसमें जो सप्लाई करनी पड़ रही है वो हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। दिस इज बेसिकली अ व्हाइट पाउडर, हम कह सकते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पैरिस वगैरह या व्हाइट पुट्टी करने के काम में आता है। ठीक है, थर्ड वन दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ वॉटर। अभी हमने कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, उल्टा देखा था कि ये दोनों जुड़ रहे थे और वाटर बन रहा था। अब वाटर को मैं क्या सप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या सप्लाई करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, पानी टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो गए, गैसेस बनना स्टार्ट हो गए। अब देखिए जब एक पानी टूटेगा तो दो तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का, यानी कि जिन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, जिन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया है, वहां पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों को ज्यादा बबल्स मिलेंगे, ज्यादा गैस फॉर्मेशन होगी और दूसरे के अंदर कम होगी। ठीक है, तो यानी कि यहां से पता चला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन
सिर्फ हीट सप्लाई करने से नहीं होती, और भी चीजों के सप्लाई करने से परफॉर्म हो सकती है। तो देखिए टोटल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, वो तीन तरीके से एनर्जी सप्लाई होके हो सकती है। पहली एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड वन इज सनलाइट, या जिसको बोले लाइट। ठीक है, तीनों के अपने अपने नाम है। इसका नाम है थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। थर्मल मतलब हीट एनर्जी को सप्लाई करके ब्रेक डाउन किया। सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, LYSIS, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, एंड लाइट वाला कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब यहां वर्ड फोटो, फोटो से कुछ याद आया, फोटो से वर्ड याद आता है फोटोसिंथेसिस, अगेन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, किस किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सारी चीजों में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो यानी कि देखो इसने ग्लूकोज ने सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये हुआ हमारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये डिकम्पोजिशन है ऐसे सिल्वर क्लोराइड AgCl2। ठीक है, अगर मैं उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखूंगा तो मुझे सिल्वर और क्लोरीन गैस एज इट इज मिल सकती है। तो क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन का एक टाइप ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं हम जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुई हमारी दो तरीके की केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। बची हुई तीन रिएक्शन जो तीनों एक जैसी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आई होप के आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।